अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? टुडे वी विल डिस्कस ऑस्टियोलॉजी ऑफ द फुट। पहले हम बोन के नाम्स देखते हैं, फिर हम इनके बोनी फीचर्स देखेंगे और उसके बाद हम फिर इनकी आर्टिकुलेशन देखेंगे। बोन्स के नाम में टॉर्सल्स, मेटा टॉर्सल्स एंड फेलेंजेस। 7 टॉर्सल्स हैं, 2 रोज में होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में। कैल्केनियम या हील बोन, टैलस, नेविकुलर, 3 क्यूनिफॉर्म, मीडियल, इंटरमीडिएट, लैटरल क्यूनिफॉर्म। क्यूबॉइड बोन, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। थंब के अंदर 2 फेलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेलेंग्स। बाकी सारी जितनी भी फिंगर्स हैं या टूज हैं उनके अंदर 3 फेलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फेलेंग्स। थोड़े थोड़े से बोनी फीचर्स देख लेते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट हैं। टैलस बोन, दिस इज़ द 2nd लार्जेस्ट अमंग द टार्सल बोन्स। हेड ऑफ द टैलस, नेक ऑफ द टैलस एंड बॉडी ऑफ द टैलस। बॉडी ऑफ टैलस में ये जो है ये ट्रोक्लियर पार्ट है जो कि आर्टिकुलेट करता है टिबिया के साथ टू फॉर्म टिबियो टैलर जॉइंट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंकल जॉइंट। इसकी लेटरल साइड पर जो है वो ट्राई एंगुलर आर्टिकुलर सर्फिस है और मीडियल साइड पर कोमा शेप्ड ट्राई एंगुलर सर्फिस है। कैल्केनियम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हील बोन, इसकी 6 सर्फसेज हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जो थंब वाली साइड पे है वो मीडियल और लैटरल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि जो इसकी इन्फीरियर सर्फेस है इस पर 3 टूबरकल्स हैं, 2 पोस्टीरियर, 1 एंटीरियर। 2 पोस्टीरियर में मीडियल टूबरकल, लैटरल टूबरकल और एंटीरियर टूबरकल। इन दोनों पोस्टीरियर टूबरकल को कलेक्टिवली कैल्केनियल ट्यूब्रोस्टी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सस्टेंटेकुलम टेलाए। बेशक इसके नाम में टेलाई आ रहा है लेकिन ये टेलस का पार्ट नहीं बल्कि ये कैल्केनियम का पार्ट है। टेलस इस पर रेस्ट कर रही है और इसके नीचे से एक ग्रूव पास कर रहा है। उसके बाद नेविकुलर, नेविकुलर इज अ बोट शेप्ड और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो नेविकुलर ट्यूब्रोस्टी है। और उसके बाद ये नेविकुलर ट्यूब्रोस्टी के साथ नेविकुलर ग्रूव है। इसके बाद 3 क्यूनिफॉर्म्स हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल। इनके भी मिडल वाले के दरमियान ग्रूव मौजूद है फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन्स। और जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यूबॉइड में ओब्लीक ग्रूव मौजूद है, ओब्लीक ग्रूव है और इसमें से भी टेंडन पास करता है। अगर हम आर्टिकुलेशन की बात करें, टैलस एंटीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है नेविकुलर के साथ, इन्फीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है कैल्केनियम के साथ टू फॉर्म टैलो कैल्केनियल जॉइंट। कैल्केनियम जो है ये एंटीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है क्यूबॉइड के साथ और सुपीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है टैलस के साथ। उसके बाद नेविकुलर देखें तो नेविकुलर पे 3 आर्टिकुलर फेसेट्स हैं 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स के लिए, और ये 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। उसके बाद अगर 3 क्यूनिफॉर्म्स बोन्स देखें तो ये आर्टिकुलेट कर रही हैं एंटीरियरली जो मीडियल क्यूनिफॉर्म है वो 1st मेटाटार्सल के साथ, इंटरमीडिएट 2nd मेटाटार्सल के साथ और 3rd क्यूनिफॉर्म जो है वो एंटीरियरली 3rd लैटरल क्यूनिफॉर्म 3rd मेटाटार्सल के साथ एंटीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है और लैटरली आर्टिकुलेट कर रही है क्यूबॉइड बोन के साथ। क्यूबॉइड बोन इसी तरह पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है कैल्केनियम के साथ और एंटीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है 4th और 5th मेटाटार्सल के साथ। मेटाटार्सल और फेरेंजेस जो है इनकी इंपॉर्टेंस ये है, इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स ये हैं कि ये प्रॉक्सिमली बेस है, शेफ्ट है और हेड ऑफ मेटाटार्सल है। इसी तरह फेलेंजेस में भी प्रॉक्सिमली बेस, शेफ्ट और हेड है, यानी प्रॉक्सिमल साइड पे बेस है, मिडल में शेफ्ट है और डिस्टल साइड पे हेड है। दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोलॉजी ऑफ द फुट। थैंक यू।